we have vocabulary derived and we have certain pair of words. और ये बहुत important words है, बहुत common words है, हर वक्त हम use करते हैं, लेकिन इसमें confusion हो जाता है, हम सही ढंग से use नहीं कर पाते. तो इस vocabulary derived में हम आपको इसके सही अर्थ को बताएंगे और आप इसको ध्यान से देखिए. जैसे ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर ओल्ड से बना है और ओल्डेस्ट ये जो है चीज़ों को बताता है, चीज़ों को. जैसे कोई मंदिर है जो सबसे पुराना है, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन माई विलेज, ओल्डेस्ट टेम्पल. तो ये जो बताता है चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक. एल्डर और एल्डेस्ट ये जो है व्यक्ति के बारे में बताता है, एल्डर और एल्डेस्ट जो है व्यक्ति के बारे में बताता है, विशेषकर परिवार के बारे में बताता है. और जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा बड़ा भाई है, ही इज एल्डर ब्रदर, और जगह सबसे बड़ा भाई है, ही इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, ही इज एल्डेस्ट ऑफ, सबसे बड़ा भाई है. तो कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, भाई के सेंस में ओल्डर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ओल्डेस्ट का ही प्रयोग होगा, एल्डर और एल्डेस्ट का ही प्रयोग व्यक्ति के अर्थ में होता है, ठीक. दूसरा सेट है फादर और फर्दर. फर्दर मतलब आगे, और क्या आगे होने वाला है. तो इसको फोर मतलब ये इसका मतलब था आगे, व्हाट इज फर्दर, आगे क्या है, नहीं आगे. और फादर का मतलब है दूरी, ये तो है दूरी, डिस्टेंस बताता है, ये तो है दूरी बताता है. तो इस सेंस में अगर यूज किया गया, फादर ये दूरी बताता है, फर्दर जो है आगे बताता है, आगे मतलब फोर मतलब आगे. तो ये दूसरा सेट हुआ. तीसरा सेट हुआ लेटर, यर ए टी ई आर, जिसमें सिंगल टी है, ये समय बताता है लेटर, ठीक. और लैटर जिसमें डबल टी है, ये पोजीशन बताता है, आई विल कम लेटर, लेटर आन मतलब बाद में, इसके बाद में लेटर आन. और लेटर ये जो है ये समय बताता है, जैसे दिस इज द लेटेस्ट न्यूज. तो इसमें जो है टी जो है सिंगल रहेगा, और ये जो लेटर है इसका मतलब होता है पोजीशन या स्थान, इसमें डबल टी है. तो दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट है नियरेस्ट. नियरेस्ट मतलब नज़दीक. तो नियरेस्ट जो है स्पेस बतलाता है, नियरेस्ट जो है स्पेस बतलाता है. और नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर बतलाता है, क्रम. नेक्स्ट का मतलब होता है क्रम, जैसे नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट फोर्थ नेक्स्ट, ऐसे करके. तो नेक्स्ट जब ऑर्डर बताना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं. नियरेस्ट जैसे नियरेस्ट हॉस्पिटल ऑफ माई विलेज इज दिस. तो नियरेस्ट मतलब ये स्पेस बताता है, नज़दीक बताता है. और द हाउस नेक्स्ट टू मी इज हिज हाउस. तो ये नेक्स्ट मतलब क्रम बताता है, पहला दूसरा तीसरा. तो गाइस ये हो गया. और चौथा जो है लेस और फ्यूअर. फ्यूअर जो है ये नंबर बताता है, फ्यूअर पीपल हैव डन, बहुत कम लोग आए, तो ये नंबर बताता है. और लेस जो है ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है. लेस फूड वॉज सप्लाई, लेस फूड वॉज सप्लाई, मात्रा बताता है. तो गाइस आप इसको बहुत अच्छे तरह से आप इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं. एल्डर एल्डेस्ट ये आदमी के लिए, ओल्डर जो है थिंग्स के लिए, फिर फर्दर जो है ये दूरी के लिए है, फर्दर मतलब ये आगे के लिए है, नेचर समय बतलाता है, लेटर पोजीशन बतलाता है, नियरेस्ट जो है ये स्पेस बताता है, और नेक्स्ट जो है क्रम बतलाता है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यू कैन जस्ट take screenshot and then you think over. They are very important. They are very important and they are confusing also. So try to get it by heart
and then another day if I come, I can explain once again to you. तो ठीक है.